हाय दोस्तों वेलकम बैक इन माय न्यू मैं हूँ सी एम ए रोहन शर्मा आपका होस्ट मेंटर कैरियर कोच आप मुझे कुछ भी कह सकते हो बिकॉज मैंने वो सारी चीजें की है जो एज ए कैरियर कोच एज ए मेंटर किसी को करना चाहिए मैंने मोर देन थाउजेंड सी एम को रिसेंटली विद इन वन ईयर मैंने गाइड किया है और उसके अलावा मैं बात करूँ तो पिछले चार साल से सा, आप सब मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो मैंने वेरियस टॉपिक्स पे कंटेंट्स बनाए हैं और अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट

कितने महीने की करनी है कैसे करनी है क्या हम फॉर्म से कर सकते हैं क्या हम पी से कर सकते हैं क्या हम एम में जा सकते हैं अगर हम फॉर्म से करते हैं तो हमें क्या सैलरी स्टाइफंड मिलता है वहाँ पे अगर हम पी में जाते हैं तो हमें कैश टाइम फंड मिल सकता है एम में हम क्या कर सकते हैं क्या स्कोप है अपॉर्चुनिटीज है और अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो उसका कैंपस का क्या इम्पैक्ट जाता है राइट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा चल रहे होते हैं एक अच्छी इंटर्नशिप को लेके इवन मैंने ये भी देखा है कि दो महीने तीन महीने इंटर्नशिप सर्च कर रहे होते हैं। बट उन्हें मिलता नहीं है बिकॉज जब आप इंटर क्वालिफाइड करते हो यू होनी वन फॉर योर फर्स्ट जॉब वैकेंसी और फर्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन एनी बिग कंपनीज ओके okay. और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं ये प्रॉब्लम एक कॉमन है किसी के साथ भी होता है मेरे साथ भी हुआ था आपके साथ भी हो सकता है डेफिनेटली ये कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी के साथ हो सकता है सो लाइक आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन और मैं डिस्कस करता हूँ लाइक व्हाट आर द मेजर पेन पॉइंट क्या क्या एक एज ए फ्रेशर सेमी क्वालिफाइड सी में जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस होता है दी फर्स्ट प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ एक मेंटर का यू डोंट हैव एनी मेंटर हु प्रोपरली गाइड यू टू बिल्ड योर कैरियर और ये प्रॉब्लम नाइंटी नाइन परसेंट स्टूडेंट फेस करते हैं उनके पास कोई एक मेंटर नहीं होता दे गाइड यू ओके दिस इज दर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं पर्सनली फील करता हूँ दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिकॉज वह टोटली फ्रेश है तो आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है एंड समको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकता है टू हेल्प टू गेट बेटर

रिजेक्शन कर फेस करना पड़ रहा है ओके इन एडुकेट नॉलेज ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर एंड टूल्स राइट नो आप देखो ए सी पी एम एस ऑफिस ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ चुका है ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही है एंड यू डोंट अबेयर अबाउट दिस थिंग्स कि आपको एक्जैक्टली exactly क्या स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना है कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले अपने लाइफ में इवन इन ए ट्रेनिंग और उसके बाद जब आप फ्यूचर में कहीं आप जॉब करने के लिए जाओ आफ्टर ट्रेनिंग तो ये प्रॉब्लम्स है ये चैलेंजेज है इन इफेक्टिव रिज्यूम एंड कवर लेटर अब मैं आपको बताऊं इन इफेक्टिव कैसे है आपका रिज्यूम एंड कवर लेटर अगर मैं गूगल पे चलू एक सेकेंड में अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सो राइट नाउ अगर मैं गूगल पे ओके। सो यहाँ पे अगर मैं रिज्यूम लिख के सर्च करता हूँ रिज्यूम फॉर्मेट यू कैन सी हाउ मच रिजल्ट हैव। टू नैनो सेकेंड वी हैव मोर देन सिक्सटी एट लैक और आई डोंट काउंट दंबर सो आपके पास इतने रिज्यूम्स के टेम्पलेट के सोर्सेज है

आपको पता है जब आप किसी को अपना ईमेल करते हो अपना रिज्यूमे फर्स्ट और ईमेल इज द फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी ईमेल की फॉर्मेटिंग अगर अच्छी नहीं है दे नॉट लुक ऑन योर रिज्यूमे ओके okay, इवन अगर आपने ईमेल अच्छा लिख लिया बट आपकी रिज्यूम अच्छे नहीं है अगेन दे विल रिजेक्टेड यू देर इज ए वन रिसर्च एज पर रिसर्च एट्टी परसेंट आर रिजेक्टेड बाई द रिक विदाउट लुकिंग ऑन द रिज्यूमे ओके okay, एक सिंगल सेकंड का का रिज्यूम मल्टीपल टाइम बटन पे क्लिक किया होगा लिंक इन के ऊपर क्लिक किया होगा या फिर आपने नौकरी डॉट कॉम पे जाके क्लिक किया होगा बट यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉल्स कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ एंड यू आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपने सौ से ज्यादा जॉब के लिए आपने अप्लाई कर दिया है रीजन यू डोंट डोंट नो नो यू सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपने कभी सोचा है जब आप मैगडी में बैठे रहते हो और आप बर्गर एक ऑर्डर करते हो वो सेम टेस्ट का बर्गर आप मैगडी में आप कहीं भी खा सकते हो राइट right? चाहे आप दिल्ली में आप चांदनी चौक पे मैगडी में चले जाओ या फिर आप सीपी में मैगडी में आप बर्गर खा रहे हो या फिर आप निर्माण बिहार के बीथ में आप बर्गर खा रहे हो जो लोग दिल्ली से होंगे दे ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स

कुछ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं आप देख सकते हो सेमी क्वालिफाइड अकाउंट ट्रेनिंग में हुए हैं एंड देन ये क्वालिफाइड है नेस्ले में सिलेक्शन हुआ है इवन रिच आर ऑल्सो सेमी क्वालिफाइड और ये में सिलेक्शन हुआ है इज टॉप कंपनी ओके मल्टीपल पर्सन दे आर सिलेक्टेड मोनिस का सिलेक्शन लाइक पी एस यू में हुआ था किरण का सिलेक्शन एच डी एफ सी बैंक में हुआ था दे ऑल आर दी सेमी क्वालिफाइड सेमी क्वालिफाइड अगेन ओके सो ये तो कैंपस का है so I also, like many of my students secure a good highest amount salary package in the campus okay ये last campus की बात कर रहा हूँ मैं ये सारे last campus में आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं ये सब रिज्यूम की क्वालिटी के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है एंड बी मेक द रिज्यूम्स परफेक्ट हर को लाइक सी एम ट्रेनिंग में वैकेंसी जॉब मिली थी ऐसे मल्टीपल स्टोरीज है मेरे पास आप सबके लिए अगर मैं कैंपस की बात करूं तो अभी रिसेंटली कैंपस में आप देख सकते हो मोर देन 35 स्ट्रीम्स सिलेक्टेड इन द कैंपस और ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई है बिकॉज़ आई हैव द फिक्स मेथड एंड सेक्रेट ऑफ सक्सेस कि आप इस चीज को कैसे अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो ओके यू कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स लाइक 10 11 12 LPA का पैकेज ऑलमोस्ट सबको मिला है 10 टू 12 का पैकेज तो ये सारा चीज कैसे पॉसिबल हो पाया अगर कहीं पे एक वैकेंसी थी दैट दैट स्टूडेंट, ओके तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी आया और इंटरव्यू दिया और उसने वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लिया वी आर क्रिएटिंग ए इन्वायरमेंट वी आर गिविंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस टू गेट इन साइड हाउ वी आर डूइंग दिस थिंग्स मैं आपको बताऊंगा तो आपको आई थिंक अपने पेन पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं राइट right? देन अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के बाद इनकंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इन जॉब इनकंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इन जॉब सर्च लाइक आपको पता ही नहीं है जॉब सर्च करना कैसे आप रेंडमली करते क्या हो अपनी नौकरी डॉट कॉम पे प्रोफाइल बनाई अपलाइड अप्लाइड क्लिक किया और सोचा कि मेरे पास जॉब आ जाएगी Same, आपने LinkedIn page, अपने बनाएं और आपने प्रोफाइल और सोचा कि आपको LinkedIn पे आउट कर लेगा। okay. These things never happen. आप कितनी भी प्रोफाइल बना लो दे नॉट रीच आउट यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल और ये ऑप्टिमाइजेशन का काम कैसे होता है यू नीड टू फाइंड आउट दी राइटर्ड फॉर यूर सेल्फ कैसे वो right keywords आप अपने के लिए आउट कर सकते हो फाइंडिंग सुटेबल इंटर्नशिप ओके सो सुटेबल इंटर्नशिप लाइक हर किसी का एक इंटरेस्ट डिफरेंट है कोई एम में जॉब करना चाहता है कोई पी में जॉब करना चाहता है कोई फॉर्म में जाना चाहता है एंड दे डोंट नो राइट कि ये जो वो चाहते हैं क्या एग्जैक्टली exactly सही है उनके फ्यूचर के लिए नहीं राइट right ना आपके पास एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है तो इफ हु हैज ऑलरेडी रीच आउट एट दैट लेवल एंड दे कम टू यू एंड दे गाइड यू तो आप अपने लाइफ को एक बेटर वे में डिजाइन कर सकते हो ओके एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ

success for yourself okay now what is the solution for all these pinpoints okay the solution is how to get your first cma entrance so i created a proper path for all of you you can see we have more than 13 modules okay welcome to the cma world ओके दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सी एम ए प्रोफेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपके लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज आपको सिक्योर्ड या सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें हम वो सारी बात करने वाले कि फॉर्म एम एनसीज पी एस यूज एंड वो सारी चेक लिस्ट मैं आपको दूंगा यू नीड टू टिक मार्क ऑल चेक लिस्ट और उसके बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर सेल्फ

टू मेक दस्ट इंप्रेशन आपने कभी देखा है आपने ऑलरेडी फील किया होगा अगर आप किसी शोरूम में जाते हो कोई शर्ट कोई पैंट कोई जीन्स आपको सडनली अच्छा लग जाता है एंड यू बॉट इट सो ऐसा कैसे होता है बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन ओके लव एट फर्स्ट साइट दैट ऑल कॉल्ड द फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन इंटरव्यूअर के सामने आप कैसे बनाओ कि उन्हें भी आपसे पहली नजर का प्यार हो जाए एंड देर यूर ऑल लिंक मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनों का सिलेक्शन हुआ है, they never to anyone ki, sir i am looking for a job please provide me any opportunities please refer me somewhere these things will

What you should do before the interview, after the interview, during the interview. Interview में जो technical questions होते हैं वो सारी चीजें आप कैसे tackle करो, non technical questions के answer आपको कैसे करना है? देखो market में आपको बहुत सारे free materials मिल जाएंगे, but we are belonging from this CMA community और company का mindset हमारे लिए different है, okay? So how you will tackle the interview based on the company mindset for you, right? तो मेरे जो नोट्स है मेरे जो बुक्स आपको मिलेंगे इन साइड द कोर्स कैरिकुलम वो टोटली totally यूनिक होंगे जीरो परसेंट कॉपी फ्रॉम एनी मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट इट्स टोटली यूनिक एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी मोर देन थर्टी फाइव स्टूडेंट सिलेक्टेड इन द ट्रस्टेड ऑन मी दे जॉइंट मी एंड आई प्रोवाइडेड द बेटर क्वालिटी ऑफ ऑफ सर्विस टू ऑल देम एंड दे देयर फर्स्ट जॉब इन सी एम ए कैंपस ओके okay. तो ये अब आपको डिसाइड करना है यू कैन सी एंड आई विल आल्सो गाइड यू अबाउट द टेक्निकल पार्ट टेक्निकल स्किल्स लाइक देखो मैं दो-दो घंटे -दो के सेशंस लेने वाला हूँ एसएपी के ऊपर और एमएस ऑफिस के ऊपर और इसके अलावा मैं दो घंटे के एआई टूल्स के ऊपर भी सेशन लूंगा जिससे यू कैन नो एटलीस्ट कि एआई आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है आई हैव ऑलरेडी टेकन मल्टीपल सेशंस ऑन एआई

सर्च सर्च और इंटर्नशिप प्रोसेस। बिकॉज़ आप एडवांटेज आप अपने इंटर्नशिप सर्च में आप ले सकते हो ओके okay? और एसीपी में मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा कि आप किसी भी कंपनी में एज ए फेसर आपको एसीपी में कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। होके दैट मच ऑफ नॉलेज आई विल प्रोवाइडेड टू यू एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई विल टेक यूर मॉक इंटरव्यू अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके आप गलती करते हो दे रिजेक्टेड इट मे पॉसिबल फ्यू ऑफ देस आर देर ओनली वन चांस आफ्टर वन मंथ और उसी इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए ओके सो अगर मैं पहले से आपका मॉक इंटरव्यू लेके आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करके और मैं आपको बता दू कि नीरज आपको इस इस पॉइंट पे आपको काम करना है अगर आप इस पर काम कर लेते हो नो वन विल रिजेक्ट हाउ इज बेटर फॉर यू

से थर्टी फाइव का कैंपस हुआ सबका ऑलमोस्ट ऑफ कैंपस हो चुका है सबको छे से आठ लाख का मान के चलो एवरेज पैकेज में बता रहा हूँ बट ऑफ कैंपस में भी मेरे बच्चे दस ग्यारह लाख का पैकेज लेके आए हैं ज छः से आठ लाख आप ले सकते हो सात आठ तो सबको लगभग मिला है उससे नीचे स्टूडेंट्स नहीं गए मार्केट में जनरली लोग चार पांच लाख में भी काम करेंट माई स्टूडेंट्सिने सोचा की क्यों ना कि मैं एक फाउंडेशन लेवल पे ऐसी नींब डालू कि कैंपस में मेरे स्टूडेंट्स और ज्यादा बेटर कर सकते हैं इन फ्यूचर सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कैरिकुलम कि आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है एंड दिस कोर्स इज नॉट कंप्लीटली लाइव ओके फ्यू फ्यू यू विल गेट इन लाइव सेशन फ्यू इन रिकॉर्डेड सेशन लाइव सेशन जो भी होंगे हमारे सैटरडे संडे को होने वाले हैं okay. ओके और उसके टाइमिंग हम रखने वाले हैं इलेवन ओ क्लॉक जो बच्चे लाइव सेशन में नहीं आएंगे दे विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेम विडियोज ओके okay, आपको आपके कोर्स के अंदर आपको सारी वीडियोज मिलने वाली है और कोर्स की जो वैलिडिटी होने वाली है वो वन ईयर होने वाली है आप सबके लिए वन ईयर सफिशियंट है आई थिंक बिकॉज ये कोर्स टोटली इंटरनशिप के ऊपर है तो आपको विद इन वन से टू मंथ मैक्सिमम अगर अगर आप मेरे सारे अप्रोच को आप फॉलो करते हो तो मैक्सिमम टू मंथ के अंदर आपको आपकी फर्स्ट इंट्रेंसी मिल जाएगा जिसके अंदर आप टेन थाउजेंड से लेके आप थर्टी थाउजेंड रुपीज तक एज ए सी एम ए ट्रेनिंग अर्न कर सकते हो मैंने थर्टी थाउजेंड अभी इसलिए बोला है बिकॉज अभी तक मेरे जो स्टूडेंट है वो थर्टी थाउजेंड तक पहुंचे हैं हो सकता है आप फोर्टी थाउजेंड तक भी पहुंच सकते हो एज ए फ्रेशर सेमी क्वालिफाइड सी एम Okay. फीस तो काफी ज्यादा होगी इट्स टोटली डिस्काउंटेड प्राइज फॉर ऑल दी फर्स्ट हैंडेड स्टूडेंट्स ओके व्हाट इज द प्राइज फॉर ऑल ऑफ यू आई थिंक इतने कम प्राइज में मार्केट में कोई भी सारी चीज ऑफर नहीं कर रहा है ओके okay. जो चीजें मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ यू कैन गो एंड सर्च कैरियर सक्सेस लॉन्च पैड आप इस वेबसाइट को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कैरियर सक्सेस लॉन्च पैड या फिर आप प्ले स्टोर से आप मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जस्ट क्लिक ऑन द कैरियर सक्सेस लॉन्च पैड और आपको ये मेरा फोटो दिख जाएगा आपको कोर्स पेज पे आना है आई विल से लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और ये रहा आपका कोर्स जिसकी प्राइजिंग ओनली वन है अभी वन फोर डबल पंद्रह सौ रुपए में आज के टाइम में कुछ नहीं होता आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बट आई एम टोटली डेडिकेटेड फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव यू बेटर लाइफ बिकॉज मैंने वो चैलेंजेस एक टाइम में फेस किया था और बट मेरा सिलेक्शन तीन कंपनीज में हुआ पहला नेशनल टेक्सटाइल दूसरा ओ विदेश और तीसरा आईओ इंडियन ऑयल कारपोरेशन तो सारी चीजें मैंने क्या किया कैसे किया कि मल्टीपल कंपनीज में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई सिलेक्शन हुई और मेरी मोर देन फिफ्टी स्टूडेंट तो रिसेंटली जो मेरे कोर्स का पार्ट थे उन्होंने ये सारी चीजें सिक्योर किया है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ लाइक हाउ मेनी लर्नर्स आई हैव ऑन माई प्लेटफॉर्म जस्ट गिव मी वन सेकेंड सो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो हेयर यू कैन सी हाउ मेनी लर्नर्स ऑन माई प्लेटफॉर्म 823 students already on my platform in my different different courses so it's all up to you if you can trust on me and trust on you for better of yourself to become better version of yourself you should join this course today because we have a limited time offers okay within next one week if 50 लाइक सीट्स कंप्लीटेड आई विल नॉट गिव द डिस्काउंटेड ऑफर अभी आपको पहले कंप्लीट हो गई यू विल गेट ऑटोमेटिकली प्राइस चेंज ओके देन प्राइस हो सकता है टू थाउजेंड हो जाए आपके लिए सो डोंट वेट टेक योर डिसीजन फास्ट एंड एनरोल इन दर्स ओके वी विल स्टार्ट द्लासेस विथ इन नेक्स्ट वन वीक इट मीन नेक्स्ट संडे को हमारी फर्स्ट क्लासेज होगी नेक्स्ट संडे नहीं नेक्स्ट सैटरडे को हम फर्स्ट क्लास रखने वाले हैं सो डोंट वेट गो एंड ज्वाइन कोर्स आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट पे जाना है बाय नाउ पे क्लिक करना है बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करने होंगे और पेमेंट जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फोन नंबर सब आप डिटेल्स फिल करो और प्रोसीड टू पेमेंट कर दो देन यू नीड टू जस्ट पे दी अमाउंट आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा आप कोई भी पेटीएम रूजल पे जो भी वैलेट आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दी पेमेंट ओके यहाँ से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो आप कार्ड पेमेंट कर सकते हो भी है मल्टीपल पेमेंट गेटवेज आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो इट्स टोटली ऑल अप टू यू ओके आप पेमेंट करो कोर्स ज्वाइन करो एंड देन आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर यू विल रॉक योर लाइफ ओके okay. और आपको कभी इस डिसीजन का रिग्रेट फील नहीं होगा अगर आप फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप कैंपस वाली मेरी सक्सेस स्टोरीज की आप जाके वीडियो देखो हाउ हैप्पी फेसेस दे आर है बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड सी शून इन माइ क्लास